अपना माँ बहन का तान ठाकने के लिए वार था, सामाजिक मर्यादा के लिए वार था। जो 500 सोल्जर 28,000 सोल्जर को काटते हैं, युद्ध में हराते हैं, शायद और कोई दूसरा इतिहास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं एडवोकेट भवदीप महानंदिया। एसएफ न्यूज की तरफ से आप सब लोगों को मेरा हार्दिक शुभकामना। साथियों, आज मैंने आप लोगों को बेशक एक इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा हूं एसएफ न्यूज चैनल का माध्यम से। आप सब लोग जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर भारत में रहने वाले शूद्रों को क्या कहते थे। इतिहास ये भी गवाह है, शूद्रो ही भारत का असली शासक थे। जब हम इतिहास को खंगालते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं तो ये हम लोगों को पता चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का स्पीच नंबर 60 20 जनवरी 1940 में रत्नागिरी में घूमने के लिए गए थे। वहां का आर्मी और न्यूली अपॉइंटमेंट आर्मी महारा रेजिमेंट का सैनिक ने उन्हें आमंत्रित किए थे। उस जगह में बाबा साहेब अंबेडकर को कुछ बोलने के लिए लोगों का रिक्वेस्ट हुआ था। तो बाबा साहेब अंबेडकर इतिहास दोहराते हैं और हमारा लोगों को जो आर्मी थे महारा रेजिमेंट को बताते हैं एक बैटल के बारे में। ये बैटल क्या है, इनको भीमा कोरे गांव बैटल कहते हैं। आप सब लोग को पता है भारतवर्ष में 1818 1 जनवरी में एक ऐतिहासिक वार हुआ था, इनको भीमा कोरे गांव वार कहते हैं। भीमा कोरे गांव वार हमारा पूर्वजों का ताकत, हमारा पूर्वजों का शौर्य के बारे में बताता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश हुक्मरान आ चुके थे और ब्रिटिश का शासन कुछ सूबे में चल रहा था। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था, उस स्टेट में पेशवाओं का शासन था। पेशवाओं का शासन का पीरियड में पेशवा एक ब्राह्मण बात का शासन, ननुबात का शासन। उस शासन का पीरियड में शूद्रों को पानी छूने की आजादी नहीं था, गले पर मटका बंधा हुआ था और पीछे झाड़ू लगता था। ये हमारा मां और बहन तन ढाक नहीं पाते थे, उनको ब्रेस्ट का ऊपर कपड़ा पहनने की भी अधिकार नहीं था, इसीलिए हमारा लोगों को ब्रेस्ट टैक्स भी देना पड़ता था। तो ऐसे दुख झेलते थे हमारा लोग। वहां से मिजाज पाने के लिए पेशवा का साथ एक वार हुआ था, जो वार सामाजिक अधिकार का लड़ाई था। बाबा साहेब अंबेडकर बताते हैं अपना मां बहन का इज्जत को बचाने के लिए और सामाजिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारा 500 महारा रेजिमेंट का दलित सोल्जर कैसे लड़े थे वो बात महारा रेजिमेंट को बताते हैं। ये वार एक्चुअली दिल दहलाने वाला वार था। ये था 1818 31 दिसंबर 27 माइल पैदल चल चल कर ये लोग आए थे। ओनली 500 सोल्जर थे, 500 सोल्जर। ये सेकंड बटालियन ऑफ 1st रेजिमेंट था
बाबा साहेब बता रहे हैं उनका स्पीच में, 500 महारा रेजिमेंट का सेकंड बटालियन फर्स्ट रेजिमेंट, उशुलजे 27 माइल पैदल चलकर आए थे, थके हरे हुए थे। अचानक उसी वक्त तिसवा महाराजा ने वार छेड़ दिए तो पिसवाओं के पास 28,000 सोल्जर थे। वो वार 12 घंटा तक हुआ था, बिना खाए बिना पिए वो वार हुआ था। साथियों, नो वाटर, नो फूड, नो रेस्ट, खाना नहीं, पानी नहीं, 12 घंटा तक हमारा 500 सोल्जर लड़ रहे थे। कंटिन्यू 12 घंटा तक जब 500 सोल्जर लड़े, वो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उस युद्ध को कमांडिंग कर रहे थे एक जनरल एफ एफ टाउंट महारा रेजिमेंट को, और महारा रेजिमेंट को फर्स्ट बटालियन सेकंड बटालियन का फर्स्ट रेजिमेंट को कमांडिंग कर रहे थे। 500 जो सोल्जर थे, सब 500 सोल्जर थे, सब शूद्र को, और उसमें टोटली आप हमारा दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसमें टोटली 20,000 हॉर्स था पेशवाओं का, घुड़सवार 20,000 थे, और 8,000 पैदल सैन्य थे। एक तरफ 500 सोल्जर है, 28,000 सोल्जर है। जो 12 घंटा वार हुआ, पहला वार में हमारा रेजिमेंट और सेकंड बटालियन फर्स्ट रेजिमेंट का सोल्जर हार गए, तो धीरे धीरे ये वार बढ़ने लगा। और जब 500 सोल्जर इकट्ठा हो गए, अपना ताकत दिखाए, अपने इज्जत के लिए वो वार था, अपना मां बहन का तान ढकने के लिए वार था, सामाजिक मर्यादा के लिए वार था, ये 500 सोल्जर उनका ऊपर टूट पड़े और इन लोगों को मूली की तरह काट डाले, और भीमापुरी गांव का बैटल हम लोगों ने जीत लिए। मतलब एक सोल्जर का पास 56 सोल्जर को मारे, इसीलिए आज भी शूद्रों का सीना 56 इंच कहते हैं लोग। उनका तलवार पकड़ने की ताकत कैसे था? 500 सोल्जर ऐसे वार कभी हुआ ना, और कभी कभी और दोबारा होगा, सिर्फ शूद्रों ही महारा ही ये वार कर सकते हैं। ये वार भीमापुरी गांव का नदी का किनारे पर हुआ था, उस दिन हम लोगों ने विजय हुए। इनको 1 जनवरी 1818 कहते हैं बाबा साहेब। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी 1 जनवरी का दिन में, जब से उन्होंने वो इतिहास जाने, 1 जनवरी दिन में नया साल नहीं बनाए, उन्होंने विजय दिवस बनाए, और वो विजय स्तंभ पर, भीमापुरी गांव का विजय स्तंभ पर हर दिन हर साल वो जाते थे। जितने भी लोग वहां हमारा मरे थे, उनका नाम आज भी वहां लिखा गया है। वो विजय स्तंभ 26 मार्च 1821 में उनका फाउंडेशन हुआ, ब्रिटिश एम्पायर वो विजय स्तंभ बना है, और आज वो हमारा धरोहर है। हमारा लोग, लाखों करोड़ों लोग भीमापुरी गांव जाते हैं हमारा महापुरुषों को याद करने के लिए। वो नाग वंशज थे, वो वार में शहीद होने वाले और कोई नहीं थे,
को नाग वंशज थे, जिन्हें नाग जी से सैन्य महारथी वहां लड़ रहे थे और इन लोगों का नाम आज भी वहां लिखा गया है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हमारा पूर्वज ऐसे इतिहास बना चुके हैं, ऐसे हमारा पूर्वज है, हम शासक बस्ती है, हमारा पूर्वज इस देश को राज करते थे, हमारा नस्ल में जो खून दौड़ रहा है वो क्षत्रिय मतलब वो राजा का खून है, हम ऑर्डिनरी काम नहीं थे, हम शासक वर्ग थे भारत वर्ष में, लेकिन मनुवाद ने हमें श्याम नाम दंडर वेद करके हराया और आज हम गुलामी का जिंदगी जी रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बताते हैं शूलजर को उस मीटिंग में, हमारा लोगों का योगदान क्या है, कौन सा वार हमारा पूर्वजों ने किए हैं। बाबा साहेब कहते हैं 1851 कीर्ति कोरेगा वार हुआ, 1826 कथियारा वार हुआ, 1849 मुल्तान वार हुआ, 1860 कंदार वार हुआ और 1843 बैटल ऑफ मेनखा हुआ और पर्शियन वार 1856-57 तक हुआ। ऐसे वार में भारत के शूद्रों भीम मतलब महारा ने महार लोगों ने महारा रेजिमेंट ने अंशीदार लेके आपका नंदुहा मना चुका है। हम हमारा पूर्वजो ऐसे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर लोगों को बताते हैं। 1818 का जो वार है हमें आजादी दिलाने के लिए वो फाउंडेशन स्टोन था। साथियों, आज भी भीमा कोरेगांव में जब हम आ जाके देखते हैं वो कीर्ति स्तंभ आज भी वहां दिखने के लिए मिलता है। इसीलिए पता चलता है, वो इतिहास देख के हम जानते हैं हमारा पूर्वजों का बाजुओं में कितना ताकत है और ये पेशवा का बाजुओं में कितना ताकत है। 28,000 पेशवा सोल्जर मूली की तरह हमारा 500 सोल्जर ने काट दिए। 28,000 पेशवा सोल्जर को सिर्फ 500 महाराज सोल्जर ने मूली की तरह काट डाले और उसी दिन हमारा सामाजिक आजादी शुरू हो गया। हमारा बहन का शरीर में कपड़ा ढकने के लिए इजाजत मिला और झाड़ू को उतारने के लिए कुछ हद तक अधिकार मिला और जो कमर पर जो झाड़ू था वो निकल गया और हमारा गर्दन पर जो मटका लगा था इनको उतारने के लिए आजादी मिला। लेकिन वो आजादी बहुत दिन तक रह नहीं पाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेहनत करके अपना कानून लाए और कानून के बदौलत आज हम सुप्रीम पर आ चुके हैं। तो इसीलिए हम सब लोग को अपना इतिहास जानना जरूरी है। बाबा साहेब ये कहते थे, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना नहीं पाता। तो इसीलिए खुद का इतिहास को जानना है, हमारा पूर्वजों का इतिहास जानना है, हमारा लोग कैसे लड़ाकू थे और कैसे खुद को बचाने के लिए कैसे संग्राम कर रहे थे। अतनेक आप भी सोचिए, 27 माइल दिन रात चल के आके अचानक वार करना किसी का बस का बात नहीं है। ग्रीक जैसे साम्राज्य में भी ऐसे सोल्जर देखने के लिए नहीं मिलता जो 500 सोल्जर 28,000 सोल्जर को काटते हैं, युद्ध में हराते हैं। शायद और कोई दूसरा इतिहास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां से पता चलता है भारत का जो शूद्र है ये शासक वर्ग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है। आज हमारा नासमझ के कारण, अज्ञानता के कारण आज हम यहाँ गुलाम बन के रहे हैं। तो अपना इतिहास के बारे में आप जानिए और ये गुलामगिरी से आजाद होने के लिए कोशिश कीजिए। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल बटन दबाइए, SM न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और हमारा साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हम नया नया इतिहास आपको इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यकता है।
बाबा साहेब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।